कि आपको कुछ भी नहीं करने का है, सहज में हो जाता है। सहज शब्द का रोजमर्रा भाषा में सहज माने आसान, लेकिन सहज शब्द जहाँ से आया है वो सह और ज के साथ मिले हुए सहज से आया, माने आसान है। मतलब जो हमारे साथ जो पैदा हुई आँख है, हमारे साथ पैदा हुई हमारी नाक है, इसका हमें कुछ देखना नहीं पड़ता, उठती हैं, इस कारण उसमें कोई भी प्रतिबिंब पूरा नहीं पड़ता। पर अगर कोई ऐसा सरोवर हो कि जिसके अंदर कोई भी लहर उठ नहीं रही, तो उसके चारों तरफ फैला हुआ उसका सौंदर्य पूरा की पूरा अंदर प्रतिबिंबित होता है। इतना ही नहीं, पर पूरा तादात हो पाता है। इसी तरह से जब आप किसी भी सुंदर दृश्य को देखेंगे, परमात्मा की रचना की ओर दृष्टि करेंगे, आप निर्विचार हो जाइए। निर्विचार होते ही उसके अंदर की जो आनंद शक्ति है वो आपके अंदर पूरी प्रतिबिंबित होगी। इतना ही नहीं, आप उसे पूरी तरह से तादात में पा लीजिए। इसी तरह से संगीत अनेक विध परमात्मा ने आपके लिए श्रृंगार सजाया, अत्यंत सौंदर्य चारों तरफ फैला हुआ। उस सौंदर्य के सूत्र ही पे उतरने से आपके अंदर आनंद की उत्पत्ति हो गई, और उस आनंद को आप लूटने ही के लिए पैदा हुए हैं, अपने को बेकार में दुखी बनाने की कोशिश। इस पर से बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि हमें अब आगे क्या करना होगा। अब क्या करना होगा, सिर्फ देखना होगा। जब आप सिनेमा देखने जाते हैं उस प्रेक्षक की दृष्टि से, तो आप थोड़ी पूछते हैं हमें क्या करना है, सब कुछ देखना है, देखते ही रहना, आवागमन देखना है, पेड़ों का बढ़ना देखना है, चिड़ियों का चहचहाना देखना है, हर एक चीज की मंगल पवित्र पूर्ण मधुर मुस्कान, हर चीज़ में लहलाती परमेश्वर की आशीर्वाद की वाणी उसको सुनना, और कुछ भी नहीं करना। बस यही सब देखते देखते आप अपने में विभोर हो जाओगे। अब सिर्फ देखने का मजा है, कुछ करने का सवाल ही नहीं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी आपको बहुत कुछ अब नहीं करना होगा। जैसे कि आप लोग बहुत से योग आसन आदि करते होंगे, तो बहुत योगासन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। एक आध हल्का योगासन करें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अधिकतर अपने शरीर का बहुत ख्याल रखें। इसी शरीर में उस परमात्मा का वास, इसकी इज्जत, इसके साथ कोई भी ज्यादती करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, शराब आदि चीज़ों से अगर आप अपना छुटकारा करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। अब आप कोई भी चीज़ का निश्चय कर ले, वो काम हो जाए। आपने कंडीशनिंग नहीं आ, अगर आपने तय कर लिया कि हमें शराब नहीं पीना, छूट जाएगी शराब। शराब इंसान इसीलिए पीता है कि अपने से भागना चाहे। एक शराब के सिवाय और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसके लिए मैं मना कर रही हूँ, लेकिन शराब जरूर ऐसी चीज़ है, क्योंकि वो आपकी चेतना पे चोट करती है। शराब की ओर देखते साथ शराब छूट जाए, क्योंकि आप स्वयं को ही इतना प्यार करने लगे और अपना इतना मज़ा आएगा। अगर आप में से किसी को जेल हो जाए तो आप कहेंगे वाह भाई, ये तो बड़ा अच्छा होगा, बैठ के ध्यान करें। मनुष्य अपने ही मौज में ऐसा रहेगा कि उसको फिर शराब वराब की कहाँ आदत है। सिगरेट भी अपने आप छूट जाता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही सब कुछ छूट जाता है। हमारे यहाँ बम्बई में तो यह हालत है कि अगर माचिस चाहिए तो घर से ले जाना पड़ती है उदबत्ती जलाने के लिए, कोई भी सिगरेट नहीं पीता। बड़े बड़े सिगरेट पीने वाले पता नहीं कैसे सिगरेट छोड़ देते। कुछ लोग थे वो बहुत रमी खेलते थे, वो कहते रमी हमारी छूट गई, क्योंकि अब मज़ा आएगा, ज़िंदगी में मज़ा आएगा, इंसान में मज़ा आएगा, उनके प्रॉब्लम्स में मज़ा आएगा, उनके साथ जूझने में मज़ा आएगा। अब आप इंसान के साथ एक होना चाहिए। अब ये भी ख्याल रखना चाहिए कि अब हम दूसरे हो, अब वो नहीं रहे जो पहले थे, एकदम बदल गए। अब दूसरे हमारे साथ बदले नहीं, उनकी ओर देखना है, उसे घबराने कोई बात, क्योंकि आप भी तो वैसे ही थे। बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं हम बड़े भारी पोजीशन के आए, बड़ी उनकी पोजीशन खोपड़ी की जगह। कोई सोचते हैं हम पैसे वाले, कोई सोचते हैं हम बड़े भारी धार्मिक आदमी। सोच लीजिए सब पागल हैं, उनकी तरफ देखते रहे, सब पागल खाने में अपने को बहुत अकल लगे। जब उस पागल खाने में आप थे, आप भी यही सोचा करते, ये सब पागलपन की बात है। एकदम से सारी जो मिथ्या चीज़ें धीरे धीरे छूट जाएंगी जब आप जान जाइएगा कि सब मिथ्या। अब आपके अंदर वो शक्ति आ गई, अब आप में ऐसी शक्ति आ गई जिसके कारण आप कोई सी भी बात सोचेंगे उस सोच विचार का आप पर असर नहीं। जैसे कि कोई आदमी कहे मुझे गुस्सा नहीं करना, तो बड़े अपने से पूछा अरे पागल जरा गुस्सा तो कर। आप शीशे सामने खड़े होकर अपने गुस्सा करिए, बड़ी हंसी आएगी। जब भी आप गुस्सा करिएगा अंदर से कोई हंसता ही रहेगा, आपको पूरी समय हंसी ही आती है। गुस्से में आप लपटिएगा, लपट नहीं सकते।
किसी भी चीज़ में आप लपट नहीं सकते। सभी चीज़ काम, क्रोध, मद, मच्छर आदि सब चीज़ें जो हैं वो इस विषय की एक अपनी एक खेल है, उसे आप देखिए, उसका एक खेल है, उसे आप देखते रहें। आप दूर हैं, आप दूर से उसे देखें, क्योंकि आप जो पहले बाहर थे वो नहीं रहे और अब आप अंदर। प्रयत्न यही करना है कि अपने को अंदर रखें, बाहर दूसरों से बात करते वक्त अंदर रहें, माने निर्विचार। किसी से भी बात करें, किसी से भी कुछ कहना हो, पहले निर्विचार हो जाए। निर्विचार होते ही आप उनके अंदर उतर जाते हैं, फौरन उनका भी रंग बदल जाएगा और आपका तो बदला हुआ है। लेकिन अगर आप भी बाहर सतह पे आ जाएं तो हो सकता है वो आपको पलटा दे। अभी आप अंदर बाहर कर सकते हैं, क्योंकि वजह यह है कि अभी अभी कहीं अंदर आप पहुंचे। जैसे कि आप ट्रैफिक में से गुजर के आ रहे हैं और आपको एक पहाड़ी पर दिखा, लेकिन आपको ट्रैफिक की आदत हो गई है तो आप ख्याल बनता है अरे मैं तो ट्रैफिक में, फिर आप देखिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, पता हो जाएगा कि आप कहाँ खड़े। यही सेल्फ रियलाइजेशन। पहली तो चीज़ है कि संसार का सारा सौंदर्य आप में तादाद है। आप जानिए कि नई चीज़ है, बड़ी अद्भुत, विश्वसनीय नहीं, कोई विश्वास नहीं कर सकता, पर है बात, ऐसा ही होगा। आपको खुद ही लगने लगेगा कि आप साक्षी हो। घर में कोई बीमार पड़ गया, अब सारा घर दौड़ेगा, आफत करेगा, ये कोई झूठ, कोई सब कुछ चलेगा। आप अपने देखते रहें, आपको बराबर सूझेगा क्या करना है, आपको जो मन में आए वो आप करें। आपका मन होने के सर पे हाथ रखे, सर पे हाथ रखे, पैर पकड़ने का मन हो पैर पकड़ी, जो भी आपके मन में आ रहा है सबके ही आ रहा है। उसको दूसरी चीज़ है सत्य की। अब सत्य बोलें या झूठ बोलें, झूठ क्या सत्य क्या, बहुत सा सत्य जो होता है यही बनाया हुआ सत्य, मनुष्य ने बनाया हुआ सत्य कोई सत्य नहीं। बहुत बार बहुत सा जो झूठ दिखाई देता है वो महान सत्य होता है, इसलिए उसका निर्णय आप मत दीजिए, आप सिर्फ बोलिए। आप अपनी निर्विचारता पर बोलें, आप अपनी स्थिति पर बोलें। लोगों से डंके की चोट पर कहना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ है, यही सत्य है, यही होना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात। दिखने के लिए वो शायद लोगों को झूठ लगे, लोग आप पर हंस भी सकते हैं। हम पूना में गए थे, वहाँ से कुछ ऐसे महामूर्ख लोग थे, उन्होंने पेपर में तक निकाला कि ये लोग जो हाथ से ऐसे ऐसे माता जी कर रही थी तो वो सबको मेसमराइज। तो उनको एक साहब ने सवाल पूछा वहाँ पर कि आप उनको क्या ज़रूरत पड़ी मेसमराइज करने, और उनको कोई धंधा नहीं। कहें हम तो मेसमराइज नहीं हो सकते, कहें आप हो भी नहीं सकते, उनके तरह का मेसमराइज होना कठिन है। इसलिए तरह तरह के लोग हैं दुनिया में जिनको समझ नहीं, क्योंकि आपके अंदर ये चैतन्य आ गया, आपके अंदर से बह रहा, आपने इसे देखा हुआ, इसकी पुष्टि की आपको ज़रूरत है, लेकिन आप तेजस्विता नहीं पा रहे। यही आप में और बड़े बड़े साधु संतों में यही अंतर है। आप में वो तेजस्विता भी पाई नहीं जो प्रखर होती है, जो अपने सत्य पर टूट खड़ी रहती है, जो डरती नहीं दुनिया से कहने के लिए कि यही सत्य, बाकी सब असत्य और मिथ्या है। वो क्राइस्ट जैसे आदमी के अंदर, वो कृष्ण के अंदर, और आज भी बहुत बड़े बड़े संत साधुओं में ये चीज़ पाई जाती है। वो आप आदिशंकराचार्य में पाई, आप उनकी पुष्टि के लिए आप उनकी किताबें पढ़ें। अब नए सिरे से आप पढ़ें, आप नए सिरे से गीता पढ़ें, नए सिरे से आप बाइबल पढ़ें, उसमें आप देखिएगा कि आपकी हर एक बात को पुष्टि देने वाली चीज़ें उसमें। लेकिन आप स्वयं पुष्ट हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं कि कोई आपको ही सपोर्ट करता रहे या आपको कोई सहारा दे। आप स्वयं अपने सहारे पे खड़ा होना जैसे शुरू कर देंगे, एकदम प्रकाश। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं। हमारे यहाँ ऐसे लोग देखती हूँ मैं कि एक मेव घर के अंदर एक आदमी हो जाता है, वो फिर किसी से बात कहता नहीं, अंदर छुपा लेता। बाइबल में कहा जाता है कि दिया नीचे नहीं रखा जाता, टेबल के नीचे नहीं दिया रखा जाता है, किसी ऊंचे स्थान पर दिया रखना चाहिए। अगर आप वाकई दीपक हो गए, ऊंचे स्थान पर बैठ करके सबको प्रकाश दें। सब धर्मों का प्रकाश यही है। आप चाहे किसी भी धर्म हो, आप उठा के देखिए, आप सिखों को धर्म को मानते हैं, उठा के देख लीजिए अगर कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी है, अगर झूठ बात कोई है। आप किसी भी धर्म की किताब देख लीजिए, सब किताबों में आपसे पुष्टि के लिए बड़े बड़े लोगों ने लिखा था। आप श्लोक से श्लोक कह सकते हैं, आप कुरान की आयात कह सकते हैं, सब इसी चीज़ की गवाही देती, चाहे उसे यहाँ पर हम लोग जिसे जिसे स्पिरिचुअल कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम लोग आध्यात्मिक कहते हैं संस्कृत में, और जिसे वो लोग रूहानी कहते हैं। नाम बदल देने से जो सत्य है वो एक ही है, और सबको ये मालूम है आप लोगों की सत्य क्या है।
तो सत्य की भी कोई व्याख्या तो हो नहीं सकती। सागर की क्या व्याख्या थी? लेकिन क्षण क्षण में आप देखेंगे सत्य ये मिथ्या, ये सत्य ये मिथ्या, ये आपके वाइब्रेशन से आता है। वाइब्रेशन को इतना आप तोल पाइएगा, उसे इतना समझ पाइएगा, जहाँ वाइब्रेशन आ रहे हैं वहीं सत्य। आप पत्थर में भी, मिट्टी में भी, हर एक चीज़ में आप वाइब्रेशन से। कोई अगर आदमी है उसके चार पांच चक्र पड़े हैं, उससे उलझने की कोई ज़रूरत नहीं, कठिन आदमी है, आपके दफ्तर नहीं, आपको फौरन आपके हाथ पे गरम गरम आ जाएगा, भागिए वहाँ कुछ दिनों के लिए, बाद में वो भागेगा, वो खुद ही जलेगा। जिससे भी आपको गरम गरम वाइब्रेशन आए, सोच लीजिए ये अपनी बात नहीं, ये रूहानी बात नहीं, यहाँ पर कोई तो अंधेरा है, रोशनी और अंधेरे का युद्ध पूरी समय चल रहा है, आपके दीप इतने सारे जल गए हैं। सारा ही वातावरण बदल सकता है और कुछ दीप और जल गए, इसलिए अपने दीप को जलाते रखना चाहिए, अपने वाइब्रेशन को हमेशा तौलते रहे। हमारे फोटो से वाइब्रेशन हर समय आते हैं, उसके कभी गुस्से नहीं। आप हमारे फोटो की ओर अपना हाथ क्या करें? अगर आपने किसी भी उंगली पर देखा कि जिस जगह भी आपको वाइब्रेशन जलते हुए नजर आ रहे हैं, उन सब चीज़ों का अर्थ होता है। जैसे आप जानते हैं ये मणिपुर चक्र है, और ये आपका शुद्धि चक्र है, और ये आपका आज्ञा चक्र, ये आपका स्वाधिष्ठान चक्र, और ये आपका मूलाधार चक्र। बीचों बीच यहाँ पर आपके हाथ के बीचों बीच संस्कार है पूरा देव। किसी को भी किसी ने आकर आपसे बता दिया कि फलाने की तबीयत खराब है, हम चाहते हैं कि आप उसके लिए प्रार्थना करें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो आपका चक्र उनका खराब हो उसको आप यूँ करके धो लीजिए पानी, बहुत उनको फ़ायदा होता है। यहीं बैठ आपके उंगलियों के इशारे पे सब चीज़ चल रहा है, आपके अटेंशन पे दिव्यत्व, मैंने आज सवेरे बताया था, इसका आप पड़ताला लीजिए। पाँव में पूरे चक्र बने हैं, मनुष्य बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी, ऐसे हजारों उसके आगे यंत्र फेंक दिए जाएं तो भी मनुष्य का यंत्र परमात्मा ने इतना सुंदर बनाया, बस उसकी बिजली चमकाने की बात, वो भी चमक गए, अब क्या रहेगा? वह यही क्या कि बहुत कुछ है, लेकिन अब दीप लेकर सब दूर जाना होगा और देखना होगा क्या, क्योंकि बहुत कुछ पर थोड़ा सा था, ठीक है एक दिया जला दिया, उसको बदलिए बैठे बैठे की बात ही नहीं। और आप देखिएगा कहाँ तो दूसरों के मन में, दूसरों के अंतर में, दूसरों के अंतर में जब आप जाइएगा तभी आप जानिएगा क्या है। इसलिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की भी बात पूछी गई है, हमारे एक अनंत जीवन नाम की एक संस्था मुंबई में चली, उसमें हम कोई मेंबरशिप नहीं रखते हैं, जो रियलाइज हो गए मेंबर हैं, रियलाइज लोग भी थोड़े से ढलक जाते हैं, फिर से रियलाइज होते हैं, कुछ आते हैं ऊपर में फिर पड़क जाते हैं, फिर से ऊपर आ जाते हैं, ऐसे आप में भी आधे अधूरे कुछ होंगे, कुछ पूरे होंगे, कुछ बिल्कुल जमेगा। इसलिए हमने बोस साहब से रिक्वेस्ट किया था आप इन्हीं को चेयरमैन बना लीजिए, जैसा भी करना चाहे कर लीजिए, इनके पास हम सारी लिस्ट कर देंगे, और आपका घर भी आपका पता यहाँ पर पास ही में तो क्या है, 10 नंबर किंग जॉर्ज एवेन्यू आपका घर है, और फ़ोन नंबर भी आप इनसे ले लीजिए, इनके पास हम फोटोज़ वगैरह सब भेजेंगे। लेकिन आप बहुत बड़े काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए समय से आप लोग आ जाइएगा, और आप सोच रहे थे शुक्रवार का दिवस बहुत अच्छा है, उस दिन आप लोग अपना मेडिटेशन का कार्य करें, हम वहीं से चित्त से आपको देखें। परमात्मा के बहुत से प्रतीक रूप आपने सुने होंगे कि जैसे गणेश जी हैं उनके मूषक वाहन हैं, और सबके वाहन आपने सुने हैं। अब आपका वाहन सिर्फ आपका चित्त है, आप चित्तारूढ़ हैं, चित्त पे बैठे, क्या कमाल है, आप चित्त पे अपने बैठे हुए हैं, जहाँ चित्त जाए वहीं काम बने, और इसकी इतनी कमाल है, यहाँ बैठे बैठे आप सबका निकालिए, यूँ करके खींचिए सब, जिसको भी देखा कि वो सता रहा है, परेशान कर रहा है, किसी भी आदमी जिसके लिए भी आप सोचते हैं, अपने आज्ञा चक्र पे उसको, ये अपने सहस्त्रार पे उसको ला करके उसको खींचिए, बीच में ब्रह्मरंध्र है, आपको आश्चर्य होगा कि उनकी काफ़ी हालत ठीक हो, बहुत दुष्ट महादुष्ट जो अभी इन्होंने गाया कि दुष्टासन बैठे हैं और कंस बैठे हैं, हाँ बिल्कुल बैठे हैं, सबके ऊपर में हम लोग बैठे बैठे सवेरे यही धंधा करते रहते कि उनकी सुबुद्धि दो, उनको सुबुद्धि दो, इस तरह से इस प्यार का चक्कर, सिर्फ बैठे बैठे यहाँ से प्यार का चक्कर घुमाने से ही उधर आदमी ठीक हो जाता, क्योंकि नफरत से कितनी ही ज़्यादा शक्तिशाली नहीं प्यार की बात, बहुत शक्तिशाली, समुंदर की जैसे था होती, समुंदर कितना बढ़ जाए उसकी था बढ़ती रहे, ऐसी है कितना भी हेट्रेड बढ़ जाए संसार का, और प्यार जो है वो उससे भी ज़्यादा बढ़ते रहेगा, नहीं बढ़ेगा तो संसार नष्ट होगा।
आप अपनी जिम्मेदारी को अभी समझ नहीं पाए कि एक नया नया जमाना बनाने की बात, नए लोग, नया डायमेंशन, एक नया आयाम जिसको कि आप समझ सकते हैं, सिर्फ वाइब्रेशन से आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त। अभी जो सुदेश्वरी बाई गा रही थी, इनकी हालत इतनी ख़राब थी, कल आई थी तो इतनी हालत ख़राब थी, तो घबरा घबरा मेरे पास पहुँचे, ऑपरेशन करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा है वैसा है, पर तो हमने हाथ रखा, आज वो गाना गाने। आप लोग सब ये काम कर सकते हैं, कोई ऐसा मैंने छोड़ा नहीं काम जो आप नहीं कर। अब बस ये है कि हमारे बीच में बड़ा पर्दा है, इस पर्दे को चाक करना आ जाए काम बन जाएगा, इस पर्दे का ही चाक होना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल आप पार हो गए, पहला अपना तो पर्दा चाक हो गया, अब हमारा और आपका बीच का अंतर जितने जल्दी टूट जाए उतना ही काम बड़ा जबरदस्त। इस चीज में अंत में जो सबसे बड़ी बात हमारे अंदर है वो है प्रेम। हमें प्रेम के साथ तादाद में करना है। जब हम किसी के साथ बात करते हैं पहले सोचने के हमसे प्रेम ही कर रहे हैं, ये सारा ही प्रेम है, इससे आप कुछ गड़बड़ कर ही है। जैसे लोग हमसे कहते हैं आप हर एक को देखो तो रियलाइजेशन दे रहे हैं, अमेरिका में खासकर लोगों को बड़ी परेशानी है कि लोग इसको बुरे चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा क्या बुरा करना, किसी की जागृति करेंगे, किसी को पार ही करें या किसी को ठीक करें, प्यार से आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। आप ही सोचिए, जिस आदमी से आप प्यार करते हैं आप उसका बुरा कभी कर सकते? प्यार की पहचान ही है कि वो कभी किसी का अहित सोचे, जो कुछ भी होगा वो हितकारी होगा, वो जाएगा कहाँ, हित ही होगा। बस अपनी इज्जत खुद ही करनी होती है। बस अगर आपने अपनी जैसी जैसी इज्जत करनी शुरू हो गए, आपकी स्थापना अंदर हो गई, क्योंकि ये मंदिर है और इस मंदिर की जितनी भी आपने इज्जत करी ही है उतना ही उसके अंदर परमात्मा का प्रकाश है। आप प्रेम से तादाद में पा सकते हैं, एकदम आप प्रेम से एकाकार हो सकते हैं, बिल्कुल एक स्वरूप हो सकते हैं, आपके अंदर सिर्फ प्रेम ही बह सकता है, जो स्वयं साक्षात चैतन्य भी, वही सत्य ही है और वही सौंदर्य। इस सब चीज़ से आप एकाकार एकदम हो सकते हैं, निर्विचारता में आप बैठे, क्योंकि निर्विचारता तभी आती है जबकि आप इसको यहाँ से तो निकल चुके हैं, अब यहाँ पर आ गए हैं, इस दशा में आप खड़े हैं कि आप निर्विचार हैं। आपका ब्रेन जो था वो सोचता था, अब ब्रेन से आपको निकाल करके, संसार तोड़ करके आपको यहाँ ले आए, अब यहाँ आप जब पहुँच गए इस जगह से, आप हाथ रख के देख सकते हैं जो रियलाइज है, दिखे आपको लगेगा इस जगह से अर्ध बिंदु में, जो लोग रियलाइज है उन्हें महसूस होगा, जो रियलाइज नहीं है उनको नहीं लग रहा। धीरे धीरे ऊपर नीचे करें, ऊपर नीचे करें, जरा नीचे रामा नीचे करें, इससे ऊपर में अर्ध बिंदु की दशा, उससे ऊपर में बिंदु है, उससे ऊपर में वलय है। ये सब कुछ जो भी सृष्टि करने में बनाया गया था सब मनुष्य के अंदर बना दिया, पहले वलय, उसके बाद बिंदु, उसके बाद अर्धबिंदु, और उसके बाद में ये फिर सारी कुंडलिनी की रचना, पूरी कुंडलिनी को बना दिया। और वो जो आधी कुंडलिनी है वही आपके अंदर में लपट करके आ गई और आपकी कुंडलिनी बनी। आधी कुंडलिनी बनाने के लिए तो पहले कुछ लोगों को बिठाया गया था, शुरुआत करने के लिए किसी को बिठाना पड़ता, तो पहले उन्होंने गणेश जी को बिठाया, आदि शक्ति ने सिर्फ एक चक्र के साथ गणेश जी को बिठाया, एक गणेश, एक ही चक्र के साथ गणेश। गणेश जी क्या है? सिर्फ पावित्र है, सिर्फ पावित्र। आप इसी को सोचिए कि हमारे बदन पे का समझ लीजिए, कुछ दिनों तक हम नहाए धोए नहीं और मैल देते, एक सोचिए अभी यहाँ पर भी वाइब्रेशन है, यहाँ वाइब्रेशन, और उसको निकाल करके हम इकट्ठा कर दें तो जो जड़ तत्व है उसके अंदर तो वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन हो जाए, यानी सिर्फ पवित्रता के बिल्कुल पुंज है, क्योंकि इज एन इटर्नल चाइल्ड ऑफ अनंत के बालक हैं, उनके जैसा बालक संसार में मिला, सिर्फ पवित्र ही पवित्र, उनका सारा प्यार ही पवित्रता, और उस पवित्र के वजह से आपके मूलाधार चक्र पे ना, मूलाधार पे तो माँ बैठी हुई है, उनको बिठाया। इसका मतलब यह है कि सेक्स के मामले में आपको एक छोटे से बच्चे जैसे, माने इसका अर्थ यह नहीं कि सेक्स का लाइफ नहीं होना चाहिए,
इसका अर्थ यह है कि सेक्स के माने में जब आप धर्म में उतरते हैं, उस वक्त में सेक्स के प्रति विचार जैसे एक बालक के अबोध होते हैं वैसे इसका अर्थ यह। गणेश तक पहुंचना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात, क्योंकि बड़ी पवित्र आत्मा है और उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। उसके अंदर जाने के लिए हमें बहुत ही स्वच्छ होना पड़ता है, तभी हम उसके अंदर उतरते हैं। एक वो और उनकी माँ के सिवा वहाँ कोई भी बैठे नहीं। उसके बाद दूसरा चक्र लेकर के वो जब आए, तब उन्होंने ब्रह्मदेव की रचना करी, किंतु वो करी उल्टे ढंग से। पहले उन्होंने कि विष्णु को पैदा किया, उसकी वजह ये थी कि पहले क्रिएशन करने से पहले भी एक पालनकर्ता पहले ही बना दिया। इसलिए नाभि चक्र से ही हमें भी अपने माँ से ही पहले पैदा किया जाता है, और फिर उस पिता स्वरूप बाप को बनाने के बाद, क्योंकि पहले बाप बना दें उन्होंने, उसके बाद उनके नाभि से ही श्री ब्रह्मदेव की रचना हुई। बिल्कुल हुआ ऐसा ही हुआ, जैसे खूंटे बिठाए जाते हैं, इसी तरह की बात है, इसमें झूठ कुछ नहीं, आप भी खुद देख सकते हैं। बंदा अब भवसागर बन गया, भवसागर की तैयारी हो गई, सारा वॉइड तैयार हो गया, वेगस नर्व और एरोटिक प्लेक्सस चारों तरफ भवसागर, उसके अंदर से बहने वाला प्यार क्रिएशन उसी में फंस गया। प्यार चारों तरफ से लिपटा हुआ, ऑल परवेडिंग पावर है प्यार, और उसके बीच में क्रिएशन है। अब इस भवसागर को लांघने की बहुत जरूरत, लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपसे जो पहले दिन बताया था कि ईश्वर, ईश्वर और उनकी शक्ति, जो ईश्वर हैं वो हमारे हृदय में आत्मा स्वरूप बैठे हैं। इसलिए जैसे ही बच्चा जन्मता है, जन्मता नहीं, जब माँ के उदर में ही होता है, तभी साक्षी स्वरूप ईश्वर उनके हृदय में आ जाते हैं, और एक फ्लेम जैसे, ऐसे जैसे अंगूठा है, इस तरह से एक फ्लेम के जैसे दिखाई देते हैं। वो लेफ्ट हैंड साइड में हृदय में है, बहुत लोग कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि हृदय चक्र में है, और हृदय चक्र में नहीं, वो हृदय में आत्मा स्वरूप एक फ्लेम जैसे रहे। उसकी वजह है कि हृदय चक्र में क्यों नहीं, वो कुंडलिनी के जाने का मार्ग है हृदय चक्र, जो बीचों बीच है, और ये एक तरफ लेफ्ट में रहते हैं। राम शब्द का अर्थ इसी में आता है, राम माने एनर्जी और म माने महेश, महेश माने शिव, जो ईश्वर अपने हृदय में। रा जब म से मिल जाता है तभी राम होता है। इसे भवसागर में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए, इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश ये बड़ी अजीब सी हस्ती बनाई। इन तीनों के धर्म पे स्थापना कर दी गई दत्तात्रेय, और यही आदि गुरु और हमेशा गुरु रूप रहे, जिन्होंने अनेक बार संसार में जन्म लिया। उनका जन्म राजा जनक के रूप में हुआ था, जो आदिशक्ति के पिता स्वरूप थे। उसके बाद उनका जन्म ईरान में हुआ था धोराष्ट्र के रूप में, मच्छिंद्र नाथ भी वही, मोहम्मद साहब भी वही, नानक साहब भी वही। किसका झगड़ा किसके साथ लगा हुआ है सोचिए, कैसे अंधकार में हम फंसे। मोहम्मद साहब की जो लड़की थी फातिमा, वो वही थी जो कि जनक की लड़की इससे झगड़ा कर रहे हैं, कुछ सोचो तो। और नानक की जो नानकी थी वो वही थी जो अनजान थी। उसके बाद हमारे शिरडी के साईं बाबा वही आदि थे, ये सबके ही गुरु हैं, मेरे भी यही गुरु हैं, आदि गुरु हैं, इन्होंने मुझे सब धंधा सिखाया, जन्म जन्मांतर सिखाते रहे, अंत में मुझे आगे ही काम करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भी नहीं किया,
और इस जन्म में मुझी को उनके गुरु स्थान में बिठा गए कि मैं गुरु बनूं। अजीब सी हालत है। एक ज़माना ऐसा था किसी स्त्री को कोई गुरु मानने को तैयार नहीं था। कलयुग में माँ के सिवा काम नहीं है, पुरुषों के बूते का काम नहीं, प्रखरता से काम चलने वाला नहीं, माँ का प्यार ही से, क्योंकि इतना ज़्यादा पहले ही से दबाव और टेंशन संसार में आ गया है कि आदमी टूट जाएगा जिस दिन और प्रखरता में पड़ेगा, और टूट ही जाता है। इसलिए प्यार के बगैर कोई इलाज नहीं था, इसलिए हम ही को आज गुरु पद उठाना पड़ा। अब स्वीकार्य है, लेकिन हम तो जानते ही नहीं कि गुरु कितना होता है। गुरु में तो डिस्टेंस रह जाता है, लेकिन माँ में कोई डिस्टेंस नहीं होता है। बच्चे ही माँ के खोपड़े पर बैठे रहे। इसलिए आप लोग भी देखेगा हमसे आप बहुत लिबर्टी ली है, मज़ा आता है हमें कि आप बिल्कुल पूरे फ्रीडम से हमारे साथ रहेंगे। ना आपको हमारे साथ कभी भय लगेगा, ना आपको कोई घबराहट रहेगी, कोई परेशानी नहीं है। कोई भी बात हो बेधड़क आप आकर हमसे बताइए, कोई सा प्रॉब्लम होगा आप हमसे कहेंगे, झगड़िएगा लड़िएगा सब होगा, जैसे अपनी माँ के साथ वही होती है जिससे हम बिल्कुल फ्री रहते। पूरे फ्रीडम की ज़रूरत थी, इसी वजह से धर्म की चर्चा खुलेआम करने की ज़रूरत। गुप्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी गुप्त नहीं है। एक दशा में जाकर सब उघाड़ कर ही जाए, पूरा उघाड़ना है, पूरा सत्व उघाड़ करके कहने की बात। लेकिन तो भी हर एक बात हर मौके पर नहीं कहती पूरी बात। अब आप लोगों से ये बात कह रहे हैं, हम रियलाइज लोगों से कह रहे हैं कि इसमें नॉन रियलाइज उनके लिए शंका ही है, जो रियलाइज लोग हैं उनके लिए कुछ का मतलब है। लेकिन इससे भी उसी दशा में पहुँचने पर आप साक्षात इनका करें। उसके बाद भवसागर को तरने के लिए जो गुरु की स्थापना हुई, उस पर भी बहुत कुछ काम किया गया कि गुरु किसी तरह से इस भवसागर से मनुष्य को तार के लाए। कुछ काम बने, कुछ नहीं बने, बहुत से लोग हो गए, वो भी आज मदद कर रहे हैं, वो चिरंजीव हैं, जैसे कि जैन धर्म में आदि बहुत से चिरंजीव। जैन के संस्थापक महावीर और बुद्ध की माँ एक ही और आदिशक्ति के ही पेट से दोनों का, इसलिए उनका पहला भी रिश्ता आप समझ लें वो कहाँ पैदा हुए थे और कितने बार थे पैदा। लेकिन सबके ही एक्सपेरिमेंटल था, सबने एक्सपेरिमेंट्स किए, कभी इस दशा में, कभी उस दिशा में, कभी इस तरफ ले जाकर कि किसी तरह से मनुष्य भवसागर से पार। थोड़े बहुत हो जाते थे, चिरंजीव हो जाते थे, लेकिन आम आदमी से कहना चाहिए इसमें लोगों का पार करना कलयुग में घटित होना। इसके बाद रामचंद्र जी संसार में आए, वो भी इसीलिए कि वो बिल्कुल ही मानव हो गए थे, एकदम मानव। उनको तो भुला दिया गया था कि तुम अवतार, वो एकदम ही अपने को भुला करके इस माया में पड़ के और बिल्कुल भुला करके आए और मानव ही बन करके संसार में जिए हैं। इस भवसागर से आपको निकाले, पूर्णतया वो मानव है। यहाँ तक बारीक डिटेल्स में भी आप देखिए तो पूरे मानव कि मनुष्य उनको जाने। उस वक्त भी दो चार लोग जरूर पार हो, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए। उसके बाद 6-7 हज़ार साल पहले श्री कृष्ण शिव जी तो आप जानते हैं कि साथ साथ आए हैं, लेकिन श्री कृष्ण के आने से पहले आदिकाल से ही जब भवसागर से लोग पार होना चाहते थे तब उन भक्तों पे बड़ी आफत आती। वो जब भी मेडिटेशन में बैठते थे उनको सताया जाता। तब आदिशक्ति अपने संपूर्ण रूप में प्रकट हुए और उन्होंने 108 बार अवतार लिया। उसके आप जानते ही, आपने पढ़ा होगा, देवी महात्म्य आप पढ़ें, मेरी बात समझ जाएंगे। देवी रूप वो संसार में आई और उन्होंने आकर के लोगों को बचाना चाहा, लेकिन तब वो सिर्फ देवी स्वरूप आई थी, उन पर कोई माया बीच में नहीं थी। उस वजह से मनुष्य तारण नहीं पा सका,
उनसे सिर्फ प्रोटेक्शन जिसे कहना चाहिए, बचाव हो सकता है लेकिन तारण नहीं हो सकता। महिषासुर को मारा, शुंभनिशुंभ को मारा, बहुतों को मारा, जो राक्षस सताते थे, जो नेगेटिव लोग थे, वो जो सताते थे भक्तों को, उनको मारा हो, लेकिन उससे उनका वो तारण नहीं करता क्योंकि वो पूर्णतया ह्यूमन नहीं है। जितने चक्र थे तो पांच ही, चार चक्र पे हृदय चक्र है, इसलिए उनके सामने चार ही पर्दे थे। इसलिए राधा का जन्म हुआ, सीता जी के बाद राधा का जन्म हुआ, कि बहुत ही ह्यूमन थे, विशुद्धि चक्र पे, पांचवें चक्र पे उनका स्थान है, बहुत ही ह्यूमन, और प्रेम का संगीत उन्होंने गाया। कहते हैं कि जब कंस को मारा था कृष्ण ने, अपना मामा था, तभी राधा जी को ही बुलाकर मारा, राधा, रा माने फिर वही एनर्जी, धा माने धारण, राधा ही की धारा हो जाती है आपका। जो शैवाइट लोग हैं वो शिव जी को मानते हैं, वो भी एक ही है, और कृष्ण भी एक। कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं, सिवाय इसके कि शिव जो है ईश्वर स्थिति में अपने हृदय में स्थान करना है, और विशुद्धि चक्र में उनको 16 कला कहते हैं, वैसे अपने अंदर में 16 सप्लेक्सेस है। आश्चर्य की बात, विशुद्धि चक्र जिसकी की 16 कलाएं हैं, वहाँ पर श्री कृष्ण कला, और उनकी शक्ति राधा थी, जो बाद में दो में बदल गई, जो रुक्मिणी और राधा बन करके एक वृंदावन में और एक द्वारिका में, बहुत ही ह्यूमन। उसके बाद श्री कृष्ण का एक ही पुत्र था जो प्रणव स्वरूप, या सोचिए साक्षात ओम स्वरूप जो था, उसने अवतार लिया, उसका नाम जीसस क्राइस्ट, और उसकी मेरी माँ थी आज्ञा चक्र पे। वो आज्ञा चक्र पे आते ही वहाँ पे ईगो और सुपर ईगो दोनों का सामना होता है। आप देखिए कि आपका आज्ञा चक्र जो है फीमेल बॉडी और पिट्यूटरी बॉडी को कंट्रोल करता है, बिल्कुल साइंटिफिक बात। इसलिए आपके आज्ञा चक्र पे भूत सिर्फ उन्होंने निकाले, क्योंकि सुपर ईगो में भूत बैठते हैं और ईगो में भी भूत बैठ सकते हैं, क्योंकि ईड़ा और पिंगला दोनों वहीं स्वांत खत्म होते हैं। उसी ने इस पर हाथ मारा पहले, वैसे तो नानक जी के ज़माने में भी हुआ था, नानक साहब के ज़माने में भी हुआ था, हर समय ये भूत वाले आते रहते थे, एंटाइसमेंट करते रहते थे, ये होता था, लेकिन उनके तो गर्दन ही काटी, किसी ने तो संहार शक्ति ही इस्तेमाल करी। तो आज्ञा चक्र पे ईसा मसीह का नाम, और महालक्ष्मी जिनका हम इतना स्तुति गाते हैं, उसको किसी ने कहीं वर्णित नहीं किया कि वो कहाँ है, थी वो स्वयं मेरी है। वे जब भी अपने बच्चे के साथ आती हैं, पति के साथ में आती हैं, तब शांत रहती हैं, लेकिन जब अकेली आती हैं तभी दृष्टि पर, और सबसे यहाँ का स्थान साक्षात भगवती, सहस्त्रार का स्थान साक्षात भगवती, जो स्वयं ही से तोड़ सकते, उसमें सातों चक्र पूरे होते हैं, इसीलिए माया भी साथ पड़ देती है, आदमी पहचान नहीं, मुश्किल, बहुत मुश्किल, पूरा कि पूरा उसका ह्यूमन, बिल्कुल ह्यूमन चक्र पूरा होता, सातों चक्र का। आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी साधना पूरी करनी चाहिए, ये तो मैंने थोड़े में बता दिया, लेकिन मेथोडिकली इसे बताया जाए तो इस तरह से समझिए, इसका कोई समय तो होता नहीं, हर समय आप निर्विचारता में रहिए, जैसे इस वक्त भी आप निर्विचार बैठे, जब भी चांस मिले निर्विचारता में जाइए। अब इसके बाद में थॉटलेस अवेयरनेस के बाद में डाउटलेस अवेयरनेस होगा, अब आपको शंकाएँ खड़ी होंगी, इसके बाद सेकेंड स्टेज में आदमी डाउटलेस अवेयरनेस में, अब शंकाएँ होंगी ये ठीक है या नहीं, माता जी ने कहा ये बात ठीक नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये हुआ या नहीं, हम पार हुए कि नहीं हुए, इस तरह की शंका है। ये शंका का निर्मूलन ऐसा होगा कि जब आप अपने स्थान पर स्थानापन्न हो, माने ये कि हमने आपको तो सिंहासन दे दिया लेकिन आपको शंका है ये सिंहासन है या नहीं, हम बैठे हैं ठीक है या नहीं, तो आप देख लीजिए, आप अपने हाथ से देख लीजिए कितनी अद्वितीय चीज़ आपके हाथ से जा रही है, लोगों को जब आप इसी हाथ से छू करके ठीक करेंगे
आपको जब इनके अनुभव धीरे धीरे आने लग जाएंगे तो आपके डाउट धीरे धीरे कम होंगे। माने ये कि हमने आपकी नाव बना दी, तैयार कर दी। अब तैयार होने के बाद इसको नाव को पानी में छोड़ना चाहिए, लहरों से लड़ना चाहिए, तब पता होगा कि नाव है या नहीं। हो सकता है लकड़ी ही हो, लेकिन लकड़ी की नाव बन गई कि नहीं बन गई ये पानी में गिरे बगैर नहीं चलेगा। इसलिए इसको नाव को छोड़ देना चाहिए और लहरों पे छोड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि लहरों के थपेड़े जब बैठेंगे और तो भी जब नाव नहीं डूबेगी तो पता हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो गया है इस मामला में। अभी तो डाउट्स ही रहेंगे, थोड़े दिन बड़े डाउट्स रहेंगे, क्योंकि मनुष्य अपने को बहुत ऊंचा समझता है। एक साहब थे हमारे यहाँ, तो वो गए एक वहाँ एक स्वामी जी बैठे हुए हैं, हज़ारों आदमी उनके आते हैं, खाते पीते झंडा लगा कर बैठे। अब ये महाशय हमारे साथ अमेरिका गए थे, ऐसे इशारे पे वो आप भी कर सकते हैं, यूँ करी किसी की भी कुंडली रास्ते रास्ते यूँ ही उठा दीजिए, देखिए उसकी चल गई थी यूँ इशारे कर। यहाँ बैठे बैठे किसी की कुंडली ने आप उठा के मजा देखते क्या होता, आप किसी की चाहे उंगलियों पे आपके कुंडली नहीं घूमेगी, आपके क्या आपके हाथ से जो बह रहा है उसी के सहारे होता। वो ऐसे 300-300 लोगों के अमेरिकन लोगों की कुंडली नहीं उठाते थे सब करते, तो वो साधु जी से वहाँ बहुत से लोग गए तो ये भी चले गए, तो जब गए तो हमें तो सब पता हो जाता है कहाँ कौन भटक रहे हैं। तो लौट के आए तो हमने कहा आप लोगों के पाँव क्यों छुए, पहले आप सब छू रहे थे तो हमने छुए, मैंने कहा आपने पाँव क्यों छुए, जो आपने से बड़ा हो उसके पाँव छू रहे आपने क्यों पाए, पहले हम आज सब छू रहे थे तो हमने छू लिया। मैंने कहा उनका हाल क्या था, कुंडलिनी क्या हाल है, वो पार हो गए, तो पार तो गए, और कुंडलिनी पहले वो तो औंधी बैठी। मैंने कहा तुम्हारे उंगली के इशारे पे हज़ारों ऐसी उठते हैं और तुम्हें कुछ ख्याल नहीं आया कि इसके मैं क्यों पहुँचूँ, इसकी कुंडलिनी औंधी बैठी हुई है, अरे पार तो होता कम से कम उसे पाँच छूने से, पाँव उसी के छूना चाहिए जो अपने से ऊँचा, आखिर किसी छू लिया, तुम तो सब जानते हो उसका शास्त्र जानते हो सब कुछ जानते हो, इतनी तेजस्वी था तुम्हें आगे उसके पाँव का। ईगोलेसनेस से ही आता है, आप लोग इतने साधारण तरीके से रहिएगा कोई विश्वास नहीं कर सकता कि आप पार, आदमी ईगोलेस हो जाता है एकदम ईगोलेस, क्योंकि उसको लगा से ही रहता है भाई ये कैसे हो सकता है, कुछ भी हम कहेंगे कहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता, लेकिन है हो गया है आपके अंदर ये बात हुई है, अगर हो गई तो ये सोचना चाहिए कि अगर हुई है तो हमारे में क्यों हुई, दिल्ली शहर में कितने लोग रहते कितनी आबादी, आखिर हम ही क्यों विशेष रूप से पा गई, इसमें कोई कारण होगा। पूर्वजन्म की जन्म जन्मांतर की आपकी खोज है, जन्म जन्मांतर का आपका हक है, आप लोग साधु बड़े बड़े साधु लोग आपको क्या पता, आप अगर साधु नहीं होते तो क्या हम आपको पार करा, हम क्या करते कि पत्थर को हम पार करा, हजारों लोग आते हैं अपने देख हम नहीं पार करा पाते, आप ही लोग कुछ लोग पार होगा कोई ना कोई बात तो है, लेकिन ये आप में अंदर आएगी नहीं बात बैठेगी नहीं, क्योंकि आप अपने को अब सोचेगा क्यों नहीं ऐसे कैसे हो सकता, ईगोलेसनेस की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है, ये सहज योग की ईगोलेसनेस है, बहुत ही साधारण तरीके से, ना तो आप कपड़ों में कोई बदल करने वाले हैं ना तो किसी इसमें, लेकिन अंदर से आप देखते जाएगा कि शांति आ रही है, अरे क्यों उलझ रहे हो, बातचीत में बोलने में हर एक चीज़ से आप रियलाइज बाद में फंसा, हाँ ये रियलाइज, और फिर आप माहिर होशियार तज्ञ हो जाएंगे, क्योंकि आप जानेंगे इनका ऐसे ही बोलेंगे, इनका तो ये घूम रहा है उनका ये घूम रहा है उनका वो घूम रहा है, वो उधर बक बक कर रहे हैं इधर ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चलो इनको ठंडा कर, थोड़ी देर में देखा महाशय जी ठंडे हो गए। कोई लोग आते हैं हमसे झगड़ा उगड़ा करने, ये लोग पीछे में उनकी कुंडलियाँ घुमा घुमा कर उनको ठंडा कर, थोड़ी देर में चुपचाप बैठे, बहुत ट्रिक्स करते, एक साथ बहुत झगड़ा कर रहे थे, इतने में उनका टाइम बता रहे थे आज एक किस्सा, एक साथ झगड़ा कर रहे थे, उनसे एक टाइम आ गया पिल खाने का, अच्छा लाओ जरा देखे तुम्हारी पिल, इन्होंने हाथ में रखे उसमें वाइब्रेशन दिया, खाओ खाते साथ ध्यान में खट चुके, किसी ने ज़्यादा परेशान कर रहा पानी में ज़रा सा हाथ डाल वाल करके पिला दीजिए पानी काम खत्म, चैतन्य अंदर में एकदम से पनप जाए, लेकिन अभी अभी आप बच्चे हुए हैं अभी अभी पैदा हुए हैं तो छोटा बच्चा बड़ा जल्दी बीमारी पकड़ता है, बड़ी जल्दी आप पकड़ लीजिए अपने स्थान से, आप बड़ी जल्दी गिर जाइए, स्थान को पकड़े रहे स्थान कहते हैं, डावाडोल आदमी को नहीं रहना, अपने स्थान पे जमे रहे, क्योंकि चीज़ ऐसी मिली हुई है कि आदमी डावाडोल हो जाए, ये आपको मैं बता रही हूँ, इसीलिए संघ शक्ति होनी चाहिए, ये लोग हैं आपस में आके माता जी मेरा सर पकड़ गया निकाल दीजिए, आपस में अरे भाई मेरी कमर में वो आ गया चक्र में कहीं जहाँ पर भी है वहाँ निकाल दो, आपस में ऐसी ही बातें करते रहे, अब यही आपके सब भाई बहन हैं,
यही सब प्रेम की एक नई दुनिया है। ये आपके रिश्तेदार, इनको सबको जानो। कोई तकलीफ होगी, अचानक आप देखेगा कि इनमें से एक आदमी कौन, अचानक कहीं, क्योंकि देवता आपके ऊपर मंडरा था। एकदम से कोई आदमी पहुंचे, आप कह रहे अभी तुम कैसे आ गए? कह रहे भाई पता नहीं कैसे मैं चला आया, मैं आया रहा था बस में से, मैंने सोचा उतर जाए चला आया। यहाँ काम आपका बन जाएगा, एक्सीडेंट्स आपसे होने वाले नहीं, देवता आपके मंडरा रहे। आप में से एक भी आदमी अगर ऐसी जगह हो जहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, सबकी सब बच जाएंगे आपकी वजह। बहुत बहुत कुछ होगा, आप देखते रहें, रोज का अनुभव लिखते रहें, अपनी कुंडलिनी की जागरणा, उसका घूमना फिरना देखते रहें। उससे परेशान होने कोई बात नहीं, उठेगी कहीं यहाँ गुदगुदी करेगी, कहीं यहाँ चलेगी, कहीं यहाँ आलोकित करे, कहीं आलोकित करेगी। उस सब चीज़ से ही आपकी जो चेतना है वो बन ही जाएगी, प्रकाशित होगी और संसार में वो आंदोलित होगी। अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं कि हजारों करोड़ों रश्मियाँ प्यार की गए, आप देख लीजिएगा कि दिल्ली का वातावरण बदल जाए। देख ली, हम एक ही बार कलकत्ते गए थे, कलकत्ते का वातावरण देखा आपने कैसे, तभी हमने कहा था कलकत्ते का वातावरण बदल जाए। 8 दिन कलकत्ते में रहे, वातावरण बदल, लोगों का दिमाग ज़रा ठंडा हो। आज महाराष्ट्र स्टेट सबसे अच्छा चल रहा, वजह है क्या? इसलिए लोग रियलाइज हो गए महाराष्ट्र से, अब दिल्ली स्टेट हो जाना है और सारे संसार की कुंडलिनी भारतवर्ष में बैठी हुई है। ये भी देख लीजिए क्या कमाल है, भारतवर्ष में ही सारी इसकी कुंडलिनी बैठी हुई है, और जो भारतवर्ष हमारा ठीक हो जाए सारा संसार ठीक हो जाए, और उसका सहस्रार भी यहीं बैठा हुआ। और इसीलिए मुझे 1000 हिंदुस्तानी ऐसे चाहिए जो रियलाइजेशन दे सकते।